हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सभी सब्जेक्ट एक साथ, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल, आपके पास टाइम नहीं है तो कल आपका एग्जाम है और ये एक मॉक टेस्ट रहेगा। तो बताइएगा, आज का अगर सेशन आप लोगों ने अटेंड कर लिया तो यहाँ से आपको आसानी से बिना पढ़े लिखे आज का सेशन आपको 50 में से 50 नंबर दे के जाएगा। ऐसा मैं आज आप लोग के लिए वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है। 50 में से 50 फुल मार्क्स पूरा दे के जाएगा आज ये वीडियो, ठीक है, और बहुत कम समय में रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर, जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर बताइएगा कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। आंसर होगा केरल। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? केरल इज द राइट आंसर। आंसर लगाया ना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो आंसर होगा आपका 3 देशों के साथ लगी हुई है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कोटा। कोटा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबरीमाला स्थित? बताइएगा किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। फटाफट आंसर टिक मार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आंसर होगा आपका गुजरात। डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान बताइए। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान, आंसर होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर पश्चिमी घाट। ए इज द राइट आंसर पश्चिमी घाट, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से घनी धनी स्थान, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइएगा भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ए इज द राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध, और बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आपको क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, ठीक है। आज का जो सेशन जो जो अटेंड करोगे ना, यहाँ से आपको 50 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा फ्री में। तो आप लोग अटेंड कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं ना कि मैं सीटेट क्वालिफाई कर जाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे यूजफुल रहेगा और यूट्यूब पे ये पहली बार ऐसी वीडियो आप लोग के लिए आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह जिराफ बाइसन जैसे जानवर डैश वन में पाए जाते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा घास स्थल में, ठीक है। ये आपके घास स्थल में पाए जाते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा आपका देहरादून में स्थित है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आंसर होगा आपका उष्णकटिबंधीय वन। आंसर लगाया ना आप लोगों ने, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए के लिए कि आपका 33.3% होना चाहिए, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किससे महत्वपूर्ण है? बताइएगा मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किससे महत्वपूर्ण है? आंसर होगा तेंदुआ और चीता के लिए, ठीक है, यानी तेंदुआ और चीता, सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामिग्र पाया जाता है। यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामिग्र पाया जाता है? आंसर होगा दाचीग्राम, बी इज द राइट आंसर, दाचीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? आंसर होगा साइलेंट वर्ली में दुर्लभ और नष्ट प्राय जो पशु है आपके, शेर की मूछ जैसा मकायू ककायू, ठीक है, यहाँ पे ककायू हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में? आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे मैंग्रोव कहा जाता है, मैंग्रोव, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देहरादून, सी इज द राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण?
तो आंसर होगा आपका तालाब और दलदल। आंसर ए इज द राइट आंसर, तालाब और दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा मानसून वन। मानसून वन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक आपकी मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आंसर होगा काली मिट्टी, यानी कि सी इज द राइट आंसर, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है? तो ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो आंसर होगा मालाबार तटीय क्षेत्र, मालाबार तटीय क्षेत्र ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल काटी जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? बिल्कुल आपका हूबहू ऐसे क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा आपको सीटेट के, अगर बात करें ईबीएस में, ईबीएस में, एसएससी में, यानी कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में, पर्यावरण अध्ययन और साइंस में, तीनों में यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो रहेगा 50 नंबर के लिए रहेगा पूरा का पूरा, नवम्बर के प्रारंभ में। ठीक है, नवम्बर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। और वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग आज पढ़ लें, आपका भी सारे आपके फ्रेंड जो है रिलेटिव वाले हैं, आपके नाना नानी दादा काकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबके क्या हो, आपके पास हो जाए ताकि फर्स्ट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे रेसे फसलें कौन सी होती है बताइएगा? तो आंसर कपास संजूट, कपास संजूट सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? आंसर होगा दालचीनी आपके छाल से एकत्र की जाती है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीक यानी कि सौगान बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है बताइए, बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? आंसर होगा मध्य भारत में, मध्य भारत सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य बताइएगा? आंसर होगा आपका कर्नाटक, ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत वर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यानी कि सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे ना क्वेश्चन अपना आंसर भी मैच कीजिएगा, क्या मेरे आंसर से भी आपका आंसर मैच खाया है यानी कि राइट है? अगर राइट रहा तो आपको पूरा के पूरा अभी तक 33 से 30 में से आपको 30 out of 30 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में आपका गंडक नदी से पानी आता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? आंसर होगा तमिलनाडु को कहा जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं जो मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है? आंसर होगा आपका सिंकोना पेड़, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक सुगर केन कितने माह में परिपक्व होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 12 महीना। ठीक है, 12 माह यानी कि 1 साल लग जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक नाल्टा जूट राज्य कौन सा है बताइएगा? तो पटसन, ठीक है, जूट की बात की गई है तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, डी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में? आंसर होगा पश्चिम बंगाल, बी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेबिका एक प्रकार का है बताइए, एरेबिका एक प्रकार क्या है? एरेबिका आपका एक प्रकार की फूल है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुपरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो खुपरी चमत्कार आपका आलू की प्रजाति का एक प्रकार है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो कॉफी आपका उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? आंसर होगा आपका केरल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है?
आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हल्दी। हल्दी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य शहतूत या कीट पालन में अग्रणी है? बताइए कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? आंसर है कर्नाटक। बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का प्रमुख उत्पाद देश कौन सा है? चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा? आंसर हो जाएगा आपका भारत। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस कौन सा है? आंसर होगा अरेबिका। अरेबिका हो जाएगा यहाँ पे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? आंसर होगा रत्नागिरी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, रत्नागिरी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है? यहाँ पे राइट आंसर होगा मछली उत्पादन से। ये आपके 51 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और बताइएगा कि किसके 51 आउट ऑफ 51 मार्क्स आए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, अगर चैनल पसंद आएगा तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और 5-5 के ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां जहां आप लोग फैले सबको आप लोग शेयर कीजिएगा। और मुझे बिल्कुल पता है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगी।